हेलो दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र और मैं आज आपको पाइथन प्लेलिस्ट का तीसरा वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें हम लोग लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग जाते हैं, एक फाइल बनाते हैं। यहाँ पे आप यहाँ से भी बना सकते हैं टच कमांड यूज़ करके। तो मैं चाहूँगा मेरे वीडियोज़ के थ्रू आप कमांड लाइन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो मैं आपको बेसिक्स बताता चला जाऊँगा साथ में। तो मुझे अगर एक फ़ाइल बनानी है डायरेक्ट्री में, मैं ऑलरेडी अपने पाइथन प्रोग्रामिंग वाले ट्रेनिंग एसेंशियल्स डायरेक्ट्री में हूँ, तो एक नई फाइल क्रिएट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा टच लिस्ट डॉट पाई। इसके बाद लिस्ट की एक फाइल बन गई है। पहले हम कमेंट कुछ लिख देते हैं लिस्ट के बारे में। लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल अलाउज डुप्लीकेट members। हम पहला एग्जाम्पल करते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक लिस्ट को इनिशलाइज करेंगे। कंस्ट्रक्टर बेसिकली वो फंक्शन होता है उस क्लास का, जिस क्लास को यूज कर रहे हैं, जो ऑटोमेटिकली रन कर जाता है यूजिंग कंस्ट्रक्टर। एक लिस्ट को डिफाइन करने के लिए डिफाइनिंग लिस्ट यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे जो कि कंस्ट्रक्टर मेथड से बनेगा। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली वो मेथड होता है उस क्लास का जो ऑटोमेटिकली इंटेंशिएट कर जाता है, अपने आप ही रन कर जाता है क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। नंबर्स नाम का एक वेरिएबल मैंने बनाया है जिसमें एक लिस्ट हम स्टोर करेंगे। तो पहला तरीका है, इसके अंदर हमने ये पैरेंथेसिस को ओपन किया और मैंने 5-6 तक का एक नंबर बना दिया। तो ये एक बन गया हमारा नंबर्स नाम का एक लिस्ट। अब मैं इसको अगर प्रिंट करना चाहूँगा तो याद करिए, अगर पिछला आपने वीडियो ट्यूटोरियल देखा हो तो एक टाइप है, अगर मुझे इसका टाइप चेक करना है नंबर्स वेरिएबल का अगर टाइप चेक करना है तो मैं सिंपली इसमें पास कर दूंगा नंबर वेरिएबल और मैं इसको सेव कर दूंगा और इसको मैं रन करूँगा यहाँ से पाइथन 3। आपको पाइथन लिखना पड़ सकता है अगर विंडोज़ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसमें पाइथन होता नहीं, लेकिन मेरे कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन है। तो मुझे सिंपली पाइथन 3 को यूज़ करना पड़ेगा और इसमें रन करूँगा फाइल का नाम lists.py और यहाँ पे आ गया क्लास लिस्ट है। लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है बेसिकली। तो अब मैं अगर लिस्ट को प्रिंट कराना चाहूँगा तो लिस्ट के प्रिंटिंग के लिए सिंपल आप उसमें प्रिंट लिखिए, उसके साथ नंबर आप सिंपल पास कर दिए। अब मैं इस फाइल को रन कराऊंगा तो सिंपल ये आ गया, अब मेरी लिस्ट पूरी यहाँ पे आ गई। तो लिस्ट बेसिकली, अगर आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आते हैं तो लिस्ट बेसिकली एरे का कॉन्सेप्ट होता है, एरेज ही होती है बेसिकली। अब सिंपली इसमें हम नंबर्स ही नहीं स्टोर करा सकते, और भी चीज़ें हैं। तो दूसरा मेथड हमें होता है बाय इनिशियलाइजिंग द लिस्ट। तो उसको करने का तरीका, जैसे हमने एक वेरिएबल लिया, जैसे हमने लिया बिस्किट्स, तो बिस्किट्स नाम का इसके ये एक मेरी लिस्ट होगी जिसके अंदर मैं तरह तरह जो ब्रांड अवेलेबल है उनके बिस्किट्स के नाम लिखूंगा। ब्रिटानिया हो गया पहला, दूसरा हो गया हमारा पार्ले, तीसरा हो गया मेरे पास सनफीस्ट, चौथा हो गया मेरे पास गुड्डे। ये एक तरीका है जिसमें लिस्ट को इनिशियलाइज करें। अगर मुझे इनको प्रिंट, तो सिंपल मैं लिखूंगा इसके अंदर प्रिंट बिस्किट्स, बिस्किट्स वेरिएबल को हमने प्रिंट कर दिया। तो अब मैं इस फाइल को रन कराता हूँ सेम कमांड डाल के, तो मेरे यहाँ पे पूरी लिस्ट आ गई है एक साथ, जिसमें ये हमारे वैल्यूज़ हैं स्टोर्ड। तीसरा है कि अगर मुझे कोई ऐसे इंडेक्स में चाहिए, गेट द वैल्यू एट पर्टिकुलर इंडेक्स, तो उसके लिए सिंपल आप हमेशा याद रखिएगा जब लिस्ट को स्टार्ट करते हैं या फिर किसी भी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं, तो पोजीशन पहले वाली एलिमेंट की होती है 0, दूसरी होती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, उसी हिसाब से काम करता है। तो अगर मुझे फर्स्ट वाले पे चाहिए तो मैं अगर फर्स्ट पास कराऊंगा तो ये हो जाएगा हमारा पार्ले। तो सिंपली इसको रन करूंगा बिस्किट्स और उसके अंदर मैं लिख दूंगा 1, तो ये हमको प्रिंट करके देगा पार्ले। तो मैं रन कराता तो मुझे पार्ले मिल गया यहाँ पे टर्मिनल पे। मैं टर्मिनल की एक बार थोड़ा सा स्पेस और बढ़ा देता हूँ वर्क स्पेस। अगर मुझे किसी लिस्ट की लेंथ चाहिए, गेट द लेंथ ऑफ द लिस्ट, सो आई विल सिंपली राइट प्रिंट लेंथ फंक्शन होगा। लेंथ फंक्शन के अंदर मैं सिंपली
बिस्किट्स को पास कर दूंगा और ये मुझे लेंथ दे देगा। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे इसमें चार एलिमेंट हैं तो इसने मुझे लेंथ दी चार, लेकिन अगर इंडेक्स की बात करते हैं तो 0, 1, 2, 3 ही होगा इसका। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब मुझे टू ऐड एन एलिमेंट, अगर मुझे कोई एलिमेंट ऐड करना है इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर, बिस्किट्स लिस्ट के अंदर, जैसे कि मार्केट में कोई नया बिस्किट आ गया जिसको मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ बिस्किट्स डॉट अपेंड और इसके अंदर मैं नया वेरिएबल पास कर दूंगा, जैसे कि मेरा अगला वाला बिस्किट है मार्केट में जो आया है हमारा, कोई अच्छा सा बिस्किट है, डाइजेस्टिव बिस्किट्स आ गए, डाइजेस्टिव बिस्किट्स। और अब मैं रन को प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट, तो अब मैं बिस्किट को रन कराऊंगा, तो इसके अंदर मैं सिंपली पास करूंगा बिस्किट्स और अब मैं सेव करूंगा। तो इसको रन करने के बाद क्या, इसके अंदर लास्ट में एक डाइजेस्टिव बिस्किट भी ब्रांड जो नया आया है वो ऐड हो गया, सिंपली, ज़्यादा कुछ करना होता नहीं इसमें। तो अब मुझे रिमूव करना है कोई चीज़, जैसे मैं इसमें से रिमूव करना चाहता हूँ एक वैल्यू, जैसे इसके अंदर से मैं ब्रिटानिया को हटाना चाहूँगा, पार्ले या ब्रिटानिया, पार्ले की हटा देता हूँ इसमें से। तो सिंपल बिस्किट्स डॉट रिमूव और मैं इसके अंदर पास कर दूंगा पार्ले। और अब मैं सेव करके इस लाइन को मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा बार बार, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी रहेगी। और अब मैं सेव करूंगा इसको और रन कराऊंगा। तो इनिशियली इसमें पार्ले था डाइजेस्टिव्स के साथ, लेकिन उसने नेक्स्ट लाइन में उसने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया पार्ले को यहाँ से। तो उसी तरीके से लिस्ट में बेसिकली अगर मुझे एक स्पेसिफिक पोजीशन पे इंडेक्स पे एंट्री करानी है, टू इंसर्ट एन, टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट स्पेसिफिक इंडेक्स, तो मैं सिंपली इसको लिखूंगा बिस्किट्स डॉट इंसर्ट और साथ में मैं इसकी इंडेक्स, मैं किस इंडेक्स पे इंसर्ट कराना चाहता हूँ, और मैं इस पे दूसरा बिस्किट जो है पतंजलि बिस्किट एंट्री कर जाए। और इसको मैं सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे फिर से रन कराता हूँ। तो देखिए पतंजलि जो है हमारा सेकंड इंडेक्स पे ऐड हो गया है, 0, 1, 2, 3, 4, तो पतंजलि ऐड हो चुका है इसके अंदर। अब मैं इसके बाद आता हूँ, किसी लिस्ट को रिवर्स करना है, रिवर्सिंग, तो अगर आप जावा वगैरह में हैं तो बहुत बड़ा लूप चलाना पड़ेगा आपको हर एक इंडेक्स को रिवर्स करने के लिए। तो इसमें पाइथन ने हमको फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, सिंपली इसको एक रिवर्स कमांड है, उसको मैं सिंपली प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली बिस्किट्स डॉट रिवर्स और मैं इसमें फंक्शन प्रिंट फंक्शन पास करा दिया है और मैंने प्रिंट कर दिया है बिस्किट्स को, फिर से प्रिंट कर दिया है। तो अब मैं इसको रन कराता हूँ और मैं इसको रन कराऊंगा, तो देखिए डाइजेस्टिव फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया है जो कि 0 है हमारा, और ब्रिटानिया हमारा लास्ट इंडेक्स पे आ गया। तो बेसिकली ये एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम लिस्ट को सीधा रिवर्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिमूवल की, रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्पेसिफिक इंडेक्स। तो उसके लिए सिंपली एक कमांड है बिस्किट्स डॉट पॉप और उसमें मैं वो इंडेक्स पास करा दूंगा जहाँ से मुझे उसको रिमूव करना है। इसको मैं सेव किया और इसको मैंने फिर से प्रिंट किया। तो अब इसको रन करने के बाद हमारा जो होगा, एट लास्ट मेरे पास जो है हमारा गुड डे रिवर्स होने के बाद जो इंडेक्स वन पे है, जो कि हमारा गुड डे था, जो कि निकल गया है इसमें से। तो उसी तरीके से होता है कि एक और कमांड है जैसे कि सॉर्ट करना है हमको, तो सिंपली हम सॉर्ट करने के लिए सिंपल फंक्शन यूज़ करेंगे, टू sort a list और मैं लिखूंगा biscuits dot sort function मैं यूज़ करूंगा और sort में मैंने प्रिंट किया और उसके बाद मैं फिर से बिस्किट। तो देखिएगा यहाँ पे क्या चेंज आता है, और इसको मैं रन कराता हूँ तो देखिए इसमें sort कर दिया है। ऑटोमेटिकली हमारा जो बाई डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो B पहले है, D बाद में है, पी उसके बाद है और एस सबसे लास्ट में है। तो इसने ऑटोमेटिकली इसको अल्फाबेटिकल में सॉर्ट कर दिया है, अल्फाबेटिकल। अब मैं इसको रिवर्स सॉर्ट करना चाहूँ, जैसे मैं अगर डिसेंडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली उसका सिंपल कमांड है टू सॉर्ट द लिस्ट बाय डिसेंडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
तो उसके लिए सिंपल है, हम फिर से वही कमांड, यही दोनों कमांड लेके आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास करेंगे रिवर्स इक्वल टू, इसको ट्रू बोल देंगे और अब सेव करते हैं। और अब मैं रन करता हूँ इसको, तो देखिए सनफीस्ट पहले पोजीशन पे आ गया है, पतंजलि हमारा सेकंड पोजीशन पे आ गया है, डाइजेस्टिव थर्ड और ब्रिटानिया लास्ट पे चला गया है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में इसने सॉर्ट कर दिया है लिस्ट को। सो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप टूपल्स पे काम कर सकते हैं, और टूपल्स के बाद फिर हम डिक्शनरी देखेंगे कैसे डिक्शनरी काम करती हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद माय वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू गाइस।